यूनिट सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती है। इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन सभी यूनिट सेल एक जैसे नहीं होते। कुछ यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं तो कुछ नॉन प्रिमिटिव। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि कुछ ही टाइप के यूनिट सेल नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक तरह से इसे क्रिस्टल की स्मॉल रेप्लिका भी कह सकते हैं। एक यूनिट सेल जिस तरह की होगी उसके रिपीटेशन से क्रिस्टल भी उसी तरह का फॉर्म होगा। एक यूनिट सेल को लैटिस पॉइंट्स के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स का एक सेट होता है जो किसी क्रिस्टल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेसिस कहलाते हैं। जब बेसिस को इन लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज किया जाता है तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एटम्स का यह अरेंजमेंट कई तरह से हो सकता है, जैसे टू डायमेंशन में एक पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो एक टू डायमेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं। यह किसी भी शेप का हो सकता है। इसी तरह थ्री डायमेंशन में एक पैरेललोपाइड जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं। इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन यूनिट सेल ड्रॉ करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यूनिट सेल क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट रेप्लिका हो। ऐसे में यूनिट सेल दो तरह के हो सकते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनमें केवल एक ही लैटिस पॉइंट हो, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अगर किसी यूनिट सेल में एटम्स सेल के फेसेस पर मौजूद हों तो वह एटम दो यूनिट सेल से घिरा रहता है। एटम का केवल हाफ पार्ट ही सेल के अंदर है, बाकी का हाफ पार्ट सेल के बाहर होता है। अगर किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट सेल के एजेस पर है तो वह लैटिस पॉइंट टोटल चार अलग अलग यूनिट सेल से घिरा होगा, और किसी एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 ही होगा। इसी तरह किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर मौजूद लैटिस पॉइंट टोटल 8 अलग अलग यूनिट सेल से घिरा रहता है। ऐसे में किसी एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 1/8 पार्ट ही होगा, बाकी का 7/8 पार्ट यूनिट सेल के बाहर होता है। बात करें किसी प्रिमिटिव सेल की, तो ऐसे यूनिट सेल में सभी लैटिस पॉइंट्स सेल के कॉर्नर पर होते हैं और इन सबका यूनिट सेल में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, जैसे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सेल में 8 एटम सेल के 8 कॉर्नर्स पर हैं। सभी एटम्स का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे में 8 एटम्स का यूनिट सेल में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा। ऐसे यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल कहलाते हैं। वहीं कुछ यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर के अलावा फेसेस पर, एजेस पर और सेंटर पर भी होते हैं, जिनकी वजह से एटम्स का यूनिट सेल में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 से ज़्यादा होता है। ऐसे यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम सेल के सेंटर में होता है। इस सेल में एटम्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 है। इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 8 एटम सेल के 8 कॉर्नर्स पर और 6 एटम सेल के सभी 6 फेसेस पर मौजूद हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 होता है। ये दोनों ही सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। यूनिट सेल को कई तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन सभी तरह के यूनिट सेल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसकी वजह है यूनिट सेल में पाई जाने वाली सिमेट्रीज। यूनिट सेल में टोटल 4 तरह की सिमेट्रीज पाई जाती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री। इन्हीं सिमेट्रीज के अकॉर्डिंग यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें ब्राविस लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सिमेट्रीज और ब्राविस लैटिस के बारे में डिटेल में जानेंगे।